हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित हैं और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बात करने वाले हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, तो इस तरह से विभिन्न पद हैं और सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न पद की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट का नेम है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे पे स्केल दी गई है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद है और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में और सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये, एज लिमिट है 28 साल। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी सिंगल पद हैं और सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है, जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। मॉडलर के लिए एक पद है, सैलरी सेम है, ओबीसी कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट है 28 साल। और गाइड लेक्चरर जूलॉजी में एक पद है, सैलरी सेम है, ओबीसी कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है 28 साल। अप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिल करना है और ऑफलाइन फिल करने के उपरांत आपको सेंड करना है। अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 14/10/2024 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए, तो 14/10/2024 को शाम को 5 बजे तक ही है टाइम। इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके सेंड करना है, जिससे एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहुंच जाए, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है एज लिमिट तो मैं बता दिया हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, 28 साल है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस हिंदी ट्रांसलेटर या इंग्लिश ट्रांसलेटर से रिलेटेड होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड तो आपको पता ही होगा क्योंकि यह पद ही ऐसा है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट सेम है 28 साल और यह 28 साल कब तक काउंट करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि तक, जो अंतिम तिथि है उस तक। क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हैं आपके पास और इन मास्टर मांगा हुआ है, मास्टर या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जैसे एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर या एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजी से रिलेटेड या अदर अप्लाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे म्यूजियम से रिलेटेड हैं। और डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस लाइब्रेरी से रिलेटेड होना चाहिए। मॉडलर के लिए एज लिमिट सेम है और क्वालिफिकेशन में स्कूल फाइनल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास यानी 12वीं स्टैंडर्ड और डिग्री या डिप्लोमा इन आर्ट कॉलेज से रिलेटेड, और डिग्री मतलब कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो मॉडलिंग से रिलेटेड, डिग्री या कॉलेज से रिलेटेड, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। गाइड लेक्चरर जूलॉजी में जो पद हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स या इक्विवेलेंट ऑनर्स या डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए। जूलॉजी में हिंदी और इंग्लिश और इसके लिए बंगाली भी मांगा हुआ है, तीन सब्जेक्ट इन बंगाली का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और फिल करने के उपरांत आपको सेंड भी करना है। सेंड करने का तिथि मैं बता दिया हूँ और एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि 14/10/2024 शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए।